इंडिया गठबंधन के कांग्रेसी और समाजवादी के नेताओं ने कैराना लोकसभा सीट पर इकरा हसन को जिताने की वकालत। करनाल हाईवे पर झिंझाना गुरुद्वारे के पास स्थित माया होटल में इंडिया गठबंधन के कांग्रेसी और समाजवादी नेताओं ने लोकसभा चुनाव में भाजपा मनोज गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को हराकर सपा प्रत्याशी इकरा हसन को पुरजोर जिताने की वकालत की। यहां होटल में इन नेताओं ने दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें मुख्य आयोजक एवं कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। उन तहसील जनपद शामली से सन्नी सैनी के साथ रश्मि जावला की रिपोर्ट। अच्छा, अभी जो कांग्रेस ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है उसके ऊपर भी भाजपा सरकार के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष तो आवाज उठा, लेकिन आम जनता को आज समझ में आ चुका है कि जो कांग्रेस करती है वो करती है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 5 न्याय आम जनमानस के लिए, आम जनता के लिए जारी किए। अभी भाई अश्वनी शर्मा जी ने बताया था कि युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हक और अधिकार, और इनमें 25 कारण थे। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मजबूत नेता समय नहीं है, और कहीं ना कहीं उसका देखने में क्या आ रहा है कि बीजेपी के द्वारा लगातार रैलियां यहाँ पे की जा रही हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच में रैली कर रहे हैं, लेकिन अभी सपा की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी प्रचार के लिए कोई मजबूत नेता यहाँ पे नहीं है, क्या कहें? आप जानते हैं मजबूत नेता की बात बीजेपी करते हैं, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी अब सड़कों पे उतरे लाखों करोड़ों लोग उनके पीछे, और राहुल गांधी जी के चेहरे पे इस भारतीय जनता पार्टी ने अरबों खरबों रुपए उनके चेहरे को खराब करने के लिए लगाए, लेकिन उनकी आवाज़ को नहीं दबा पाए। जो कांग्रेस की नीतियाँ थी उन्हें नहीं दबा पाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक विचारधारा है और वो विचारधारा लोगों के दिलों में राज कर रही है, और आप देख भी रहे होंगे आज गठबंधन की किस तरीके से, वो चाहे किसान है, गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अपर है, सब गठबंधन के प्रत्याशी के पीछे लगे, कांग्रेस पर आज विश्वास कर रहे हैं। दो बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आम जनता ने बनाकर देख लिया, वे समझ चुके हैं कि ये तो जुमलेबाजों की फैक्ट्री है जो सिर्फ झूठे झूठ बोलते हैं, करते हैं। बीजेपी नारी सशक्तिकरण की बात करती है, इस बार चुनाव मैदान में इकरा हसन नारी के रूप में, तो क्या नारी सशक्तिकरण की मिसाल पेश करेंगे इकरा हसन? हाँ, क्यों नहीं, देखिए बहन इकरा हसन कितने मजबूत है और गठबंधन की प्रत्याशी है, लोग कितने लाइक कर रहे हैं, कितने पसंद कर रहे हैं। तो देखो, कांग्रेस ने लगातार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी आरक्षण लाए थे, लेकिन सिर्फ वो बंद करके रख दिया डब्बे में, जबकि पास करवा सकते थे महिलाओं का जो आरक्षण था 33%, लेकिन नहीं करा। लेकिन कांग्रेस जो करती है, जो महिलाओं का आरक्षण है उसे पास कराकर उनका अधिकार देने का काम कर रही है। नाम अयोग जंग एडवोकेट। अच्छा सर, अध्यक्ष जिला कांग्रेस जी, मैं 10 विधानसभा शामली से प्रत्याशी के राहुल 2022 का विधानसभा। अच्छा, एक जो है ना जंग छिड़ी हुई है क्षत्रिय समाज, सैनी समाज, इन सभी में एक इसके विरुद्ध एक इन्होंने जंग छिड़ी हुई है, प्रदीप चौधरी का भरपूर विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जैसा करना वैसा ही बढ़ना, जैसा वो मोदी ने 5 साल में किया है, 10 साल में मोदी जी ने किया है, ये उसका परिणाम है। कर्म का जीवन जो मिलता है ना, मिली जैसे कर्म किए हैं वैसे फल देगा भगवान, ये जब तक फल देने के लिए तैयार है। 400 पार का जो नारा इस बार दिया है मोदी जी ने, आज तक जो भी मोदी जी ने नारा दिया है वो बिल्कुल झूलेबाजी है। पता नहीं कैसे 13 लगा में हम 60 जीत लेंगे, पता लगा 50 जीत लेंगे, भाई बिल्कुल तो अच्छी कहेंगे। अच्छा सर, एक बात सामने आई थी कि काफ़ी समय तक कांग्रेस ने राम मंदिर वाले मुद्दे को लटकाए रखा, और कहीं ना कहीं आज उस मुद्दे को लेकर के उसका मौका इन्हें भुनाने का चुनाव में मिला है, उसके लिए क्या करें? ये जो किया है राम मंदिर का, जो आज बना है, इसमें
ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने रास्ता बनाया लेकिन उस पर चल रहे हैं, इनके पास ना कोई पॉलिसी है, अनकॉम्पिटेंट लोग हैं। लेकिन वो बिल्कुल अनकॉम्पिटेंट आदमी है, मतलब कभी भी नहीं पता। सुसारपुर में कहा लकड़ी की जगह लड़की के हो गए, पता नहीं लड़की बना देंगे, लड़की पढ़ाओ, लड़की बताओ, नहीं बताओ, मतलब इतना बड़ा आदमी जो सही बात नहीं कह सकता। आज की स्थिति बहुत खराब है हिंदुस्तान, और आपने कहा था कोई बड़ा लीडर नहीं आया, राहुल गांधी से बड़ा लीडर विदेशों में तक नहीं है कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल बने। जितनी मेहनत की है, जैसा देश आजाद कराने में कांग्रेस ने मेहनत की है, उससे ज्यादा मेहनत राहुल गांधी करते हैं। कोई आठ मिले मतलब 6,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, हो सकता है भी 5-6,000 कभी कोई ब्रेन न गया हो। ठीक समझिए, बीजेपी के द्वारा 400 बार का इस बार जो नारा दिया गया जी, देखिए आप भी भली बातें जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में मीडिया से बेहतर तो खैर किसी को पता ही नहीं है चीज। मोदी जी का एक नारा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार युवा वर्ग को देंगे और 15 लाख रुपए प्रति परिवार के खाते में आवेंगे, जिसे काला धन का इन्होंने नाम दिया था। ना वो काला धन अभी तक आया, ना वो युवाओं को रोजगार मिला। जो चीज कांग्रेस पार्टी की चलाई हुई है, जैसे वो आर्मी की भर्ती, फिलहाल तो वही मुद्दा चल रहा, आपने इसे 4 साल की कर दिया। आप जो है अग्निपथ के नाम से एक योजना उन्होंने चलाई, 4 साल में कौन सा युवा देश की सेवा कर लेगा, क्या उसका भविष्य रहेगा? तो इसी को लेकर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए। आपको बता दें हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें हमारी 5 गारंटी हैं देश के लिए। सबसे पहले हर शिक्षित को, जो संविदा पर भी है वो, तो उसे पक्की नौकरी देंगे। दूसरी, प्रत्येक परिवार की एक महिला को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए सहायता के रूप में देंगे। तीसरा, जैसे अभी किसान आंदोलन चला था उसमें MSP का मामला चल रहा, MSP बनाकर देंगे, उसकी गारंटी देंगे। किसान कर्ज माफी होगी ना कि उद्योगपति होगी, ये UPA सरकार, आने वाली जो इंडिया गठबंधन की सरकार है उसमें ही हमारी घोषणा है। चौथी, जैसे हमारी UPA सरकार में पिछली बार मनरेगा चलाई गई थी, स्टार्टिंग में जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने शपथ लेते कहा था कि मनरेगा जो है देश की सबसे बेकार योजना है, लेकिन अब ये मनरेगा कहीं खा रहे, कहीं और दूसरी जगह ताल नहीं लग रही। सबसे बड़ा घोटाला आज के टाइम में अगर कहीं हो रहा तो मनरेगा का हो रहा, ठीक है। इसमें हमारी योजना है सरकार बनने के बाद 400 रुपये न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन की रखेंगे मनरेगा मजदूरों के लिए। पांचवी है, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जातिगत आंकड़े